इम्पैक्ट इतने तुरंत को नजर आता है, ठीक है। तो अभी सबसे एक बेसिक जो चीज है उसको हम समझने के लिए मैं मतलब मेरा एक सवाल सबसे पहले है कि ये पेन का डेफिनेशन क्या है, मतलब पेन एक्चुअल में है क्या? तो सबसे पहले हम जान लें कि सर पेन है क्या, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू WHO? पेन इज डिफाइनड एज अ अनप्लेसेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा ना मुवाफिक ये या ना बर्दाश्त करने वाला ये एक ऐसा जर्ब है, ये एक ऐसा सेंसरी प्रोसेस है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में टिश्यू डैमेज होता है और उसी टिश्यू डैमेज के नतीजे में हमें पेन का एक सेंसेशन होता है, ठीक है। तो पोटेंशियली ये जो वर्ड जाता है तो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज की तरफ हम इसको लेके जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि अकॉर्डिंग टू WHO इसका जो डेफिनेशन है। अब इसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं इंजरी होती है, इंजरी के नतीजे में वहां पे जैसे ब्लंट ट्रॉमा लगा, किसी ने हीट किया है ना, तो वहां पे कुछ टिश्यू डैमेज होंगे, समझ रहे। तो टिश्यू डैमेज के नतीजे में वहां पे कुछ ना कुछ फंक्शनिंग में इंपेयरमेंट होगा, जो उसका कंटिन्यूशन है, जो तसलसल है, उसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ होगा। फिर ये सेंसेशन जाएगा ब्रेन को, फिर ब्रेन वहां पे अपना एक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड पेन। तो हम पेन को एक इस तरह से ऐसे भी ले सकते हैं कि पेन ये एक बॉडी टूल्स के वर्क करता है, एज अ कम्युनिकेट करता है इन बिटवीन स्किन बॉडी एंड ब्रेन। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू WHO। अभी हम देखें, चूंकि मैं BUMS यूनानी से ताल्लुक रखता हूं तो मैं जरूरी समझता हूं अपनी यूनानी की तारीफ भी यहां पे बताऊं। तो यूनानी में जो पेन है उसको बोलते हैं उर्दू में वजा। अभी इसका रीजन क्या है, खराबी मिजाज, जो ह्यूमर्स होते हैं, यूनानी जो थ्योरी चलती है बेसिस ऑन द ह्यूमर्स, जैसे ब्लड होता है, फ्लेगम होता है, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, इसी के साथ में इसके ये जो होते हैं मिजाज होते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी के मिजाज में बिगाड़ होता है, मिजाज में कमी आ जाएगी, ज्यादती आ जाएंगी, फिर उस मिजाज में बिगाड़ की वजह से वो जो बॉडी का तसलसल है वो तसलसल बिगड़ जाएंगे। तसलसल इन द सेंस ये कि कंटिन्यूएशन, ठीक है। जैसे मुझे किसी ने यहाँ पे हाथ पे मारा तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पेन होगा, बिकॉज मेरी बॉडी ने जितना बर्दाश्त करना तो उतना बर्दाश्त नहीं कि उससे एक्सेस मुझे यहाँ पे हार्म हुआ है, तो मेरे यहाँ पे टिश्यू डैमेज होगी और जो इसका नॉर्मल फंक्शनिंग है हैंड का वो कहीं ना कहीं इंपेयर होगा। यही इंपेयरमेंट जाएगा ब्रेन को, फिर ब्रेन अपना वहां पे रिएक्शन देगी, तो दैट इज कॉल्ड पेन। तो डॉक्टर शहजाद जी, जी 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 एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वाया नेटवर्क हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हुए हैं, इसमें मोबाइल भी है हमारे साथ में, नेटवर्क भी है, ठीक है, स्क्रीन भी है, बहुत सारी चीजें, तो ये कम्युनिकेशन में कहीं भी कोई गैप होगा, जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मोबाइल का इश्यू होगा, तो कहीं ना कहीं उसका कंटिन्यूएशन बिगड़ेगा, आवाज नहीं आएंगी, हम दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यही चीज हम बॉडी पे ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेन।